गुड मॉर्निंग नमस्कार जय हिंद मैं साहिल तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का डिफेंस के बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डिफेंस अडा टू फोर सेवन पर जैसा आपको पता है कि मैं रोज सुबह ग्यारह बजे मैं आप सभी के साथ मुखातिब हो जाता हूं तो उसी क्रम में आज फिर मैं ग्यारह बजे आप सभी के साथ जुड़ चुका हूँ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डिफेंस अडा टू पर दोस्त सभी को गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार सभी को जय हिंद भाई जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सभी को गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त सबको गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार सभी को जय हिंद भाई और जैसा आपको पता है कि यार अगर अपन बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अनलॉक सक्सेस विद अड्डा टू फोर सेवन मतलब अगर आप लोग चाहते हैं अड्डा टू फोर सेवन के थ्रू अपनी तैयारी को करना कोई एस एस बी है कॉन्टेबल के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है तो हेड कॉन्टेबल का बैच आ रहा है आपका पंद्रह सितंबर से और उस बैच पर आपको अभी सेवेंटी सेवन परसेंट सतहत्तर प्रतिशत की छूट देखने को मिल रही है तो अगर आप ये कूपन कोड लगाते हो वाई दो सौ चौहत्तर वाई टू सेवन फोर इस कूपन कोड को अप्लाई कूपन कोड में अप्लाई करोगे तो बैच आपको बहुत नॉर्मल प्राइस पर मिल जाएगा एस एस बी हेड कॉन्स्टेबल का बाकी अगर, अगर अड्डा टू फोर सेवन के स्टोर से आप कोई भी चीज़ खरीदते हो चाहे वो किसी भी आ, किसी भी चीज के लिए कोई बैच हो लाइव बैच हो कोई भी महापैक हो तो सब कुछ आपको मिलेगा सेवेंटी सेवन परसेंट के डिस्काउंट पर अभी खरीदने पर ओके तो बाकी आते हैं आज के सेशन की तरफ आज का हमारा सेशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट एट ऑलरेडी हम सेवन पार्ट डिस्कस कर चुके हैं मेरे दोस्तों आज एट्थ पार्ट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जहाँ फिर हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन को लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि वे सारे के सारे लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें सारे के सारे लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें अपने सारे एजुकेशनल ग्रुप्स में जहां जहां आप कनेक्टेड हो WhatsApp पे टेलीग्राम पे फेसबुक पे यानी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहां भी आप कनेक्टेड हो वहां तक एक बार वीडियो को शेयर कर दो ताकि सबको पता चल जाए कि भाई क्लास जो है वो लाइव हो चुकी है और सारे लोग सेशन के अंदर आ जाए तो भाई इतना काम जल्दी से कर दो मेरे दोस्त और आते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की तरफ और पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है ओके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा दोस्त ऑप्शन बी आ रहा है दो तीन लोगों का आंसर आया अभी तक बस बाकी किसी का आंसर नहीं बन रहा देख लें इंसर्ट दे रखा है आई एन टी इंसर्ट अब इंसर्ट का कोड भी दे रखा है एम आर वी एच जी आई आप सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि लेटर्स कहीं अपोजिट लेटर के क्रम में तो नहीं लिखे और अपोजिट लेटर आप तब बता पाओगे जब आपको अपोजिट लेटर याद होंगे आपको प्लेस वैल्यू याद होंगी तब आप इन चीजों को कर पाओगे तो एन का अपोजिट होता है एम आई का अपोजिट होता है आर ई e का अपोजिट वी एस का अपोजिट एच टी का अपोजिट जी आर का अपोजिट आई जिसको अपोजिट याद है उसने तो ये क्वेश्चन चुटकियों में कर लेना है उसको टाइम ही नहीं लगेगा क्योंकि आप उसको पता है कि डिजाइन लिखूंगा और दो दो के पेयर में बस क्रॉस में क्या लिख देना है अपोजिट लेटर को लिख देना है वो मेरा आंसर होगा अब मैं जब डिजाइन लिखता हूँ और डिजाइन का जब मैं अप्र, अप्र, अप्लाई करता हूँ कोड तो मेरे को पता है कि सबसे पहले ई का अपोजिट आएगा वी फिर डी का आएगा डब्ल्यू फिर आई का आर और एस का एच फिर एन का एम और जी का टी वी डब्ल्यू आर एच एम टी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑप्शन बी वाले जितने आ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है बाकी सारे गलत हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइएगा सेकेंड क्वेश्चन करिएगा सेकेंड क्वेश्चन हिंद सूरज जी बिल्कुल इसको करिएगा इसका बताओ भाई क्या बन रहा है टू ब्रेक का कोड बताना है सही से चेक कर लेना टू आएगा कि एट आएगा दो होगा चलो देख लेते हैं अब इसमें आ, क्या लॉजिक लगा रहे हो और क्या आंसर ला रहे हो सारे के सारे टू वाले ही दिख रहे हैं मुझे अभी तक और ये चीज अच्छी है कि सभी एक आंसर की तरफ जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स नहीं आ रहे हैं देखो यहाँ पे दे रखा है सबसे पहले हमको आ, कि एक कोड है और कोड लैंग्वेज में ना वैल्यूज को दिया हुआ है आ, देखो इन अ सर्ड कोड लैंग्वेज सेवन फाइव एट टू मीन्स

अब इन दोनों में अगर ब्रेक का कोड कॉमन है तो इन दोनों में टू भी कॉमन है इन दोनों में एट भी कॉमन है लेकिन हमको पता है इनमें से कोई ब्रेक का कोड नहीं होगा अगर एट ब्रेक का कोड होता तो यहां पर ब्रेक लिखा हुआ होता वो नहीं है, mean, ब्रेक का नहीं है तो टू ही होगा एंड टू इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आ रहा है क्लियर है बताओ यार जल्दी से कोई डाउट तो नहीं आगे चलें इसका आंसर करिएगा पेपर दोनों लैंग्वेज में रहेगा दोस्त गुड मॉर्निंग नीतू जी जल्दी से इसका आंसर करिएगा ओके 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 कोई बात नहीं कोई बात नहीं चलिए अच्छी बात है कि आप लोग क्लासेस को देख रहे हैं और साथ में का ऑफिस वगैरह भी डील कर रहे हैं तो बेहतर है कि आपकी मेहनत जरूर एक दिन रंग दिखाएगी और जिस एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं डेफिनेटली उसमें आप सिलेक्ट होकर दिखाएंगे आ, रोहित है ट्रेवल कर रहा है छत्तीस किलोमीटर ईस्ट जिसकी मैंने ट्रिक आप लोगों को बता रखी है कई बार एन ई एस डब्ल्यू नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट ये होता है राइट ये होता है लेफ्ट तो सिंपली क्या करना है रोहित छत्तीस किलोमीटर पूर्व जा रहा है दैट्स मीन ईस्ट में आ गया फिर वह अपने दाइयों और मुड़ा राइट में गया और राइट में मतलब साउथ में आ गया फोर वह फिर से अपने राइट में गया और थर्टी सिक्स आ गया फिर राइट में आया हो थर्टी सिक्स आ गया अब वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ है तो देखो ईस्ट और वेस्ट तो आपस में कट जाएंगे साउथ बचेगा तो कहाँ है चार किलोमीटर साउथ में आया फोर किलोमीटर साउथ ठीक है सो साउथ इज़ द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग मैंने पढ़ा रखा है अनुपम जी आप एक बार प्ले में विजिट करो दोस्त मिल जाएगा ठीक है एक बार प्ले विजिट करो दोस्त मिल जाएगा ना मिले तो फिर मेरे को बता देना मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा उसका लेकिन यार थोड़ा बहुत फैशन शेयर वेयर कर लो गुड uh, मॉर्निंग पायल जी ऑप्शन नंबर बी बिहार का रिलेशन पटना से दर्शाया है सिक्किम का रिलेशन आपसे पूछा है ठीक है बिहार का रिलेशन क्लियरली मेंशन है पटना से होगा तो सिक्किम का रिलेशन किससे होगा ये आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी सबका बी आ रहा है चलो देख लेते दे। हैं आ, देखो आ, बिहार एनालॉगी है मीन अगर फर्स्ट का रिलेशन सेकंड से दे रखा है तो आपको बताना थर्ड का रिलेशन फोर्थ से क्या बनेगा सेम वे में उसी वे में बताना है तो बिहार का पटना से क्या रिलेशन है बिहार पटना का क्या रिलेशन बन रहा है बिहार की कैपिटल क्या हो जाएगी पटना हो जाएगी है ना आ, तो सिमिलरली सिक्किम की क्या हो जाएगी आपकी गैंगटॉक हो जाएगी चेन्नई तो नहीं होती ठीक है पणजी नहीं होगी मॉस्को नहीं होगी सो क्या बनेगी गैंगटॉक बनेगी एंड ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट करिएगा बी होगा कि ए होगा दोनों आंसर आ रहे हैं सचिन का बी आ रहा है हर्षल का ए आ रहा है नीतू जी का ए रहा है ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी अनुपम जी का बी रहा है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए एच एल ई होगा नो ऑप्शन इज करेक्ट ओके अभिषेक कुमार जी का आ रहा है पी एच एल ई होगा नो ऑप्शन इज करेक्ट ए आंसर अभिषेक पांडे ए और बी में काफी लोग कंफ्यूज से हैं थोड़ा सा देखते हैं आंसर बन क्या रहा रहे हुँ? बन क्या रहा है? चेक कर लें एक बार शो का कोड दे रखा है आपको एस एच ओ डब्ल्यू शो और इसका कोड दिया डब्ल्यू एस ओ एच अब क्या लगा कि डब्ल्यू सबसे आखिरी वाला आ गया फिर ऐसा आ गया फिर ये वाला आ गया फिर ये आ गया तो अगर अपन ऐसा उतारे तो पी आएगा फिर एच आएगा फिर एल आएगा फिर ई e आएगा है ना पी एच एल ई अगर ऐसा उतारे तो ऐसा बनेगा लेकिन यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसा ऑप्शन तो गिवन नहीं है जब ऐसा ऑप्शन गिवन नहीं है तो फिर मैं क्या करूंगा मैं फिर इसमें प्लेस वैल्यू वाला लॉजिक पुट करूंगा क्योंकि लॉजिक बदल सकता हूं मैं पहले पहले मुझे ऑप्शन को गलत नहीं कहना है पहले मुझे लॉजिक को चेंज करके देखना है और जब मैंने लॉजिक चेंज किया तो मुझे बताया एस नाइनटीन पे होता है एच एट पर होता है ओ फिफ्टीन पे होता है डब्ल्यू ट्वेंटी थ्री पे होता है तो यहाँ डब्लू ट्वेंटी थ्री एस नाइनटीन एच फिफ्टीन ओ फिफ्टीन और एच एट तो मुझे दिख रहा है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है सारे नंबर्स को सारे के सारे नंबर्स को सारे के सारे लेटर्स को प्लेस वैल्यू के ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू वाला फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा तो अगर मैं ऐसा लॉजिक अप्लाई करूंगा तो ये एट ये फाइव ये ट्वेल्व ये सिक्सटीन तो ये तो क्लियर है कि यार पी से स्टार्ट होगा अब अगर पी से स्टार्ट होगा दैट्स मीन सिक्सटीन से स्टार्ट होगा फिर ट्वेल्व पे जाएगा फिर एट पे जाएगा और फिर फाइव पे जाएगा तो ये हो गया पी ये हो गया एल ये हो गया एच और ये हो गया ई पी एल एच ई ऑप्शन नंबर ए और ए वाले जितने हैं वो बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे हम प्लेस वैल्यू के क्रम में ठीक है सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर राहुल जी बिल्कुल जय हिंद दोस्त पी एच ई बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर पी एल एच ऑप्शन नंबर ए क्लियर है बताओ यार जल्दी से क्लियर हो गया आगे बढ़े देखो एक ही तरीके से क्वेश्चन को नहीं देखना यार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मेन मोटिव ये होता है कि तुम अपनी तरह मत सोचो कि तुम्हें कैसा लग रहा है तुम उसकी तरह सोचो कि एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन सेट किया था उसको कैसा लग रहा था तो तुमको उसके दिमाग में घुस के आंसर करना है इसीलिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आते हैं इसका आंसर करिएगा बिल्कुल 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 नीतू जी करेक्ट आंसर था ए वाले सारे ठीक थे नेक्स्ट करो ऑप्शन ए देखो फ्लूट वायलिन गिटार और सितार ये सारे के सारे आपके जो होते हैं वायलिन और गिटार और सितार और ये सारे के सारे आपके क्या है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हैं वही फ्लूट जो होता है वो आपका क्या होता है ये आपको वैसे भी मुंह से बजाना पड़ता है बाकी हाथ के प्रयोग से यूज किए जाते हैं तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा डिफरेंट हो जाएगा ए वाले सारे के सारे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइएगा सेवंथ सेवंथ का आंसर करिएगा ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑप्शन बी डी और बी दोनों आंसर क्यों आ रहे हैं भाई आंसर तो एक ही होगा या तो डी आंसर होगा या तो बी आंसर होगा डी देखो डी आई एन दे रखा है प्लेस वैल्यू लिख लिया करो अगर प्लेस वैल्यू आपको याद है तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे फोर नाइन और फोर्टीन है ना तो फोर में प्लस फाइव करूँ तो नाइन नाइन में प्लस फाइव करूँ तो फोर्टीन फिर मैंने सी एच एन को लिखा थ्री एट और फिर फोर्टीन यहाँ मुझे दिख रहा है फाइव किया तो एट बट यहाँ पे सिक्स करना पड़ेगा सिक्स <coughs> करूँगा तो एन मिलेगा फिर मैं बीजीएल को देखा ये टू पे होता है जी जो होता है वो सेवन पे होता है एल जो होता है ट्वेल्थ पे होता है यहाँ प्लस फाइव चल रहा है प्लस 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 देन फिर प्लस 5. आ, अब ए ए एफ एफ जे जे को को देखा पे 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 और सो so, मेरे क्या क्या दिख रहा है? प्लस 5, यहाँ भी क्या रहा है है एंड भी बन आपका प्लस फोर अब एक चीज तो क्लियर हो गई कि यार यहाँ पे ना लॉजिक जो लग रहा है वो एक ये वाला नहीं लग रहा प्लेस वैल्यू का लॉजिक जो है वो कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहा प्लेस वैल्यू के बेसिस पर हम यहाँ पे आंसर जो निकाल पा रहे हैं वो हमारे दो आंसर्स आ रहे हैं है ना डी भी डिफरेंट आ रहा है और ये वाला भी डिफरेंट आ रहा है अब हमको क्या करना होगा हमको लॉजिक में थोड़ा सा या तो बदलाव करना होगा लेकिन अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं तो मुझे दिख रहा है कि यार मैं चेंज किस बेस पर करूं अगर मैं की देख रहा हूं, तो मैं किस बेसिस पर मैं यहां पे चेंज कर सकता हूं इसको आई थिंक अब सब क्लियर होगा है ना थोड़ा सा वफर किया होगा बीच में बट अब क्लियर होगा तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे क्या था यहाँ पे आपका के रहा होगा यहाँ पे ये के था उसके व्याप पे करोगे तभी क्वेश्चन सही हो पा रहा है बाकी और कोई लॉजिक बन नहीं रहा सो ऑप्शन नंबर बी डिफरेंट हो जाएगा बाकी सब में प्लस फाइव की सीरीज बन जाएगी बी वाले में प्लस फाइव और प्लस सिक्स की सीरीज बनेगी इसलिए बी वाला डिफरेंट था तो अब इस क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं एर्थ वाले को डिस्कस करते हैं एथ को करिएगा ठीक है इसको करिएगा नंबर सीरीज का क्वेश्चन है ये इसको करिएगा भाई कितना आ रहा है सेवंथ को फिर से बताना मैं अभी बता दूंगा दोस्त पहले एट्थ को कर लो सेवेंथ को डिस्कस कर लेंगे किसी का नहीं आ रहा में जाके इतना कम आंसर क्यों आने लगते हैं भाई नंबर सीरीज कोई पैटर्न को इस तरह से फॉलो नहीं करता कि बस दो या तीन या चार तरीके के बस आंसर आएंगे नंबर सीरीज का बेसिकली मीनिंग यही है कि यार आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करना कि आप पिक कितनी जल्दी कर रहे हो किसी लॉजिक को और इसमें सारे लॉजिक वही लगते हैं जो ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो ऑप्शन सेवेंटी फोर ए आ रहा है सोलह का डिफरेंस है. का? का है. है. है तो आपको क्या दिख रहा है यार मेरे को तो ये दिख रहा है कि वन फोर ट्वेंटी सेवन सिक्सटीन दैट्स मीन कि ये वन का क्यूब ये टू का स्क्वायर ये थ्री का क्यूब ये फोर का स्क्वायर तो अब किसकी बारी है अब किसकी बारी है मेरे दोस्त अब बारी है फाइव के क्यूब की तो फाइव का अगर क्यूब करते हो तो वन ट्वेंटी फाइव सो अब जो डिफरेंस आएगा वो वन ट्वेंटी फाइव का आएगा वन ट्वेंटी फाइव अगर आप इसमें ऐड करते हो तो वन सेवन फोर बनेगा जो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर डी वाले बिल्कुल ठीक है जिनका डी आ रहा है अब अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद नहीं है तो फिर दिक्कत होगी मेरे दोस्त ठीक है सो ऑप्शन नंबर डी वाले जो आ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक आ रहे हैं स्क्वायर क्यूब आई होप याद होंगे और जिसको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया था उनको भी मेरे मुझे लगता है प्लेस वैल्यूज याद नहीं होंगी तभी आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत आया था मैंने बता दिया था इस क्वेश्चन में लास्ट में आपको जे कर लेना है ये चेंजेस था और बाकी डी आई एन की अगर अपन बात करें ये फोर पे होता है आई नाइन पे होता है एन फोर्टीन पे होता है तो यहाँ अगर आप प्लस फाइव करते हो यहाँ अगर आप प्लस फाइव करते हो तो ये बन जाएगा सी आपका थ्री पे है एच आपका एट पे है एन आपका फोर्टीन पे है यहाँ प्लस फाइव से बनेगा बट यहाँ प्लस सिक्स करना पड़ेगा बी आपका टू पे है जी आपका सेवन पे एल आपका ट्वेल्व पे है यहाँ अगर आप प्लस फाइव करते हो दोनों तरफ तो ये बन जाएगा ए वन पे है एफ सिक्स पे है के इलेवन पे है यहाँ अगर प्लस फाइव करते हो तो ये भी बन जाएगा तो बाकी सब में प्लस फाइव चल रहा है एक बी वाला ऐसा जिसमें प्लस फाइव और प्लस सिक्स चल रहा है सो so बी जो था वो करेक्ट आंसर बन गया था अब आई होप समझ में आ गया होगा लेकिन अब भी तभी आएगा समझ में जब प्लेस वैल्यू पता होंगी आपको प्लेस वैल्यू क्या होती है ए टू जेड जो होते हैं वो आपके पास छब्बीस लेटर होते हैं तो वन से लेकर ट्वेंटी सिक्स तक ए पहले पे बी दूसरे पे सी तीसरे पे इस टाइप से प्लेस वैल्यूज चलती हैं ओके इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा जबरदस्त क्वेश्चन है भाई इसका आंसर करो दोस्त गुड मॉर्निंग कौशिक जी इसको करो बहुत शानदार क्वेश्चन है यार मजा आ जाएगा देखे। करके देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे करो आंसर आंसर निकालो ऑप्शन बी चलेगा देखो यार टू का मल्टीप्लाई करते हैं थ्री से तो आएगा सिक्स टू और थ्री का मल्टीप्लाई करते हो आएगा सिक्स अब थ्री और सिक्स का मल्टीप्लाई करते हो तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा आपको एटीन अब एटीन और सिक्स का मल्टीप्लाई करते हो तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा वन जीरो एट नाउ द टाइम फॉर मल्टीप्लाई ऑफ मल्टीप्लाईन एंड वन जीरो का जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आंसर में कितना मिलेगा वन नाइन फोर फोर उन्नीस सौ चवालीस करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक है बी वाले सारे ठीक हैं इस क्वेश्चन पे आइएगा हर्षल वैसे तो कोई इश्यू नहीं आना चाहिए अगर उसमें है लेकिन एक बार फिर भी उसके जो गाइडलाइंस के थ्रू है उसी के थ्रू जाना उससे डिफरेंट मत जाना ऑप्शन बी अगेन देखो यार यहाँ पे क्या बन रहा है टू इंटू फाइव करते हैं दो और पांच का मल्टीप्लाई दस दस में इसी वाले फाइव को जिससे मल्टीप्लाई किया था एड कर दिया तो फिफ्टीन ठीक है अब थ्री इंटू सिक्स करते हैं तो कितना हो गया एटीन एटीन में इसी वाले सिक्स को एड कर दिया कितना बनेगा ट्वेंटी फोर अब करते हैं फोर इंटू सेवन कितना हो गया ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट में इसी वाले सेवन को एड कर दिया कितना बनेगा थर्टी फाइव सो राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी थर्टी फाइव इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसको करिएगा भाई Next question. इसको करो भाई क्या आंसर आ रहा है ग्रैंडसन A और बी आर्यन हैज अ ब्रदर नेम विष्णु आर्यन का एक भाई है जिसका नाम है विष्णु तो मान लेते हैं यह आर्यन है आर्यन का एक भाई होगा जिसका नाम होगा विष्णु ये आर्यन का भाई हो गया विष्णु ठीक है तो विष्णु बना दिया अब यहाँ पे ये विष्णु भाई हो गया मेल हो गया, इस दा सन चेतना, अगर, आ, चेतन फादर देव जो है वो चेतन के पिता हैं तो देव चेतन के पिता हो गए मतलब इसके भी फादर हो गए तो थोड़ा सा इसको स्पेस ले लेते हैं ये मान लेते हैं चेतन हो गया तो अब चेतन के पिता देव है तो इसके ऊपर देव आ गए ठीक है तो बोल रहा तो है क्योंकि एक जनरेशन बीच में गैप आ रहे है ना तो पिता हो सकता है ना भाई हो सकता है ना कजिन हो सकता है ऑप्शन नंबर तो जिसने अभी भी वी वीडियो को अगर लाइक नहीं कर रखा है तो दोस्त जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो बाकी अपने अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं बी नहीं होगा दोस्त ए ही होगा ए करेक्ट आंसर है कभी भी अगर डबल तीन जनरेशन में जा रहा है पिता तो हो ही नहीं सकते ना पिता आपकी जनरेशन से जस्ट ऊपर वाले हो सकते हैं उसके ऊपर की जनरेशन में चल गए तो पिताजी के पिताजी में पहुंच जाएंगे A आ रहा है सी बी रहा, रहा, रहा है इतने आंसर गजब चल रहे हो मतलब पहले तो क्वेश्चन को सही से रीड करो क्वेश्चन बिना पढ़े आंसर सही आ ही नहीं सकता कभी क्वेश्चन को सही से रीड करना स्टार्ट करो कौन सा लीप वर्ष नहीं होगा विच वन इज नॉट द लीप ईयर जो लीप लीपियर नाउ वो बताना है ठीक है तो चौदह सौ चौरासी को अगर हम फोर से डिविजिबल करेंगे डिविजिबल है 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 तो ये लीप ईयर मीन इसको नहीं बता सकते अच्छा पंद्रह सौ है इसको किससे डिवाइड करेंगे चार से या चार सौ से जल्दी से बोलो फिफ्टीन हंड्रेड को अगर मुझे चेक करना है कि ये लीप ईयर है या नहीं है तो फिर किससे डिवाइड करूंगा हमेशा याद रखना सेंचुरी को फोर हंड्रेड से डिवाइड किया जाता है जब मैं फोर हंड्रेड से डिवाइड करूंगा तो ये डिविजिबल नहीं है और नहीं है तो ये लीप ईयर भी नहीं है सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ए वाले सारे ठीक हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा uh, यहां पे एक नाम एक डे को चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पे इसको थर्सडे मान लीजिएगा ये थर्सडे है ठीक है ये थर्सडे है वेडनेसडे नहीं है थर्सडे है नाउ आंसर ए आ रहा है और डी आ रहा है ओके okay. ए और डी अभी भी सेशन को काफी लोगों ने लाइक नहीं कर रखा है तो जल्दी से यार वीडियो को लाइक वाइक करते चलो मेरे लाल इसके पेपर टू की दोस्त यार क्लासेस करो पेपर टू के कॉन्सेप्ट को क्लियर करो जिसमें दिक्कत आ रही है उसको क्लियर करो ट्राई करो उसको और प्रैक्टिस करो उसकी तभी तो क्लियर होगा विच ऑफ़ द फॉलोइंग कैन बी द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कौन सा किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे हो सकता है तो याद रखना uh, हमेशा लास्ट डे मंडे हो सकता है किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे मंडे हो सकता है uh, अगर मैं बात करूँ संडे सॉरी उससे पहले संडे हो सकता है मंडे हो सकता है एंड वेडनसडे हो सकता है और एट लास्ट फ्राइडे हो सकता है ये चार ऐसे होते हैं जो किसी भी सेंचुरी के लास्ट डे हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते तो ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे किसी भी सेंचुरी के लास्ट डे नहीं होते तो ना तो ट्यूसडे होगा ना तो थर्सडे होगा ना तो सैटरडे होगा बचा कौन फ्राइडे फ्राइडे इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फ्राइडे हो सकता है किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा फोर्टीन का जल्दी से भाई काउंटिंग फिगर दोस्त मैंने एक बार वैसे पढ़ा रखा है अगर बोलोगे तो दोबारा पढ़ा दूंगा बट अभी आप प्ले लिस्ट से वीडियो को देख सकते हो ठीक है एफकेट के लिए बुक बताओ ना प्रैक्टिस के लिए किशन सिंह जी चलिए मैं लास्ट में आपको बुक दिखा दूंगा एफकेट के लिए प्रैक्टिस बुक ठीक है थोड़ा सा देर वेट करो मैं एट लास्ट मैं आपको बता दूंगा कि एफकेट के लिए कौन सी बुक होनी चाहिए आपके पास जो सिर्फ एफकेट एग्जाम को आपका बहुत अच्छा करा सकती है जिसमें से क्वेश्चन लगभग देखने को मिलते हैं इसका आंसर नहीं आ रहा यार कैसे कर रहे हो मतलब इसका आंसर नहीं करोगे तो फिर बात खराब हो जाएगी यार दोस्त हाँ सबसे पहले डिवाइड पकड़ा करो किसका मतलब है डिवाइड जो मतलब आ रहा है वो मल्टीप्लाई का आ रहा है मतलब जहाँ मल्टीप्लाई वहाँ डिवाइड यहाँ पाँच बटे पंद्रह हो गया पाँच से काटा तीन बार तीन आ गया यहाँ से अब मल्टीप्लाई देखो माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई दैट्स मीन यहाँ पे मल्टीप्लाई लगेगा अब नाइन्टी होगा और ये वन अपॉन पॉइंट थ्री होगा और यहाँ नाइन्टी होगा नाइन्टी को काटोगे तो थर्टी मिलेगा तीस यहाँ से मिल गया प्लस देखो किसका मतलब है माइनस का माइनस का मतलब सॉरी डिवाइड का मतलब दे रखा है प्लस का तो खुद ही मतलब माइनस है डिवाइड का मतलब है प्लस अब डिवाइड का मतलब plus, मतलब प्लस ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो ये बन गया 170 अब 170 अब माइनस में क्या जाएगा आपका 15 सोल्व कितना एक सौ पचपन एक सौ पचपन करेक्ट आंसर बनेगा ये कौन कौन से आंसर निकाल रहे हो तुम लोग अलग अलग हाँ एक सौ और पता नहीं क्या क्या क्यों भाई क्लियर हुआ दोस्त ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा देखो यार इसमें क्या चल रहा है ये भी आपका लेटर सीरीज का क्वेश्चन है सो तो सिंपली क्या करना है यार ए कितने पे होता है वन पे होता है वाई कितने पे होता है ट्वेंटी फाइव पे होता है डब्ल्यू ट्वेंटी थ्री पे होता है यू ट्वेंटी वन पे होता है मुझे दिख रहा है कि हर एक लेटर में पहले वाले लेटर में हर एक लेटर में माइनस टू चल रहा है माइनस टू करूँगा तो उन्नीस आएगा और उन्नीस किसका नंबर होता है एस का होता है एल बारह पे एन चौदह पे पी सोलह पे आर अट्ठारह पे तो आप मुझे चाहिए बीस प्लस टू चल रहा है यानी कि बीस तो एस और टी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर सी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है इसका आंसर करिएगा जल्दी से भाई इसमें क्या चलता है नौ बज के बीस मिनट पर घड़ी की सुइयों के मध्य कोण बताना है तो थीटा बराबर क्या होता है इलेवन अपॉइंट टू इंटू जितना भी मिनट दे रखा हो माइनस थर्टी इंटू जितने भी आवर दे रखे हो यही होता है ना तो इलेवन अपॉइंट टू इंटू मिनट में कितने दे रखे हैं बीस मिनट दे रखे हैं बीस और आवर वाली सुई किस पे होगी जब नौ बज के टाइम चल रहा है तो नौ पे होगी एंड नाइन इज द राइट आंसर जब ये नाइन पे होगी तो यहां से कितना बनेगा ये काटोगे टेन टाइम आएगा यह बनेगा वन वन जीरो सौ दस और यहाँ आ जाएगा टू सेवेंटी ये जब माइनस करोगे तो कितना होगा ये आपका आ जाएगा वन सिक्सटी माइनस में और इसको जब आप पॉजिटिव में लिखोगे तो एक सौ साठ डिग्री आ जाएगा और यही करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है ए करेक्ट आंसर बन रहा है ओके okay? तो आगे क्वेश्चन देखिएगा ये वाला जो क्वेश्चन है ये अपन देते हैं होमवर्क के लिए कितने लोग करेंगे ये मैं देख लूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे आंसर चाहिए वैल्यूज़ uh, ना दिख रही हो तो मैं बड़ा करके लिख देता हूँ ये सिक्स है ये टू है ये वन है आ, ये फाइव है वैसे तो शो हो रही होगी बट फिर भी मैं बड़ा लिख देता हूँ थ्री है और ये टू है ये सारे नंबर्स हैं आपको बताना है कि कौन सा ऐसा होगा जो थ्री के अपोजिट रहेगा और कमेंट के अंदर आप लोग आंसर कर सकते हो जितने भी लोग करना चाहें ठीक है बाकी भाई जिसने अभी भी वीडियो को लाइक ना किया वो लोग लो लो लाइक कर लें जिन्होंने अभी भी चैनल वीडियो को शेयर नहीं किया वो लोग शेयर कर सकते हैं और हर एक प्रोडक्ट पे आपको 77 परसेंट का ऑफ भी देखने को मिल रहा है तो मैं आपको अभी बता देता हूँ एफकेट की बुक के बारे में भी मुझे क्वेश्चन मिल रहा था और साथ ही साथ एक क्वेश्चन बन रहा था कि एस का बैच भी आपका आ रहा है नया तो दोनों चीजों को लेकर मैं आपको क्वेश्चन क्लियर कर देता हूं जैसे आपको क्या करना है आपको सिंपली गूगल पर जाना है अपने गूगल क्रोम खोल लेना फोन के अंदर और उसके बाद आपको टाइप करना है जाकर सर्च बार में अड्डा टू फोर सेवन डॉट कॉम जैसी आप टाइप करोगे तो एक ऐसा होम पेज आपको ओपन होता हुआ दिखाई देगा अड्डा टू फोर सेवन डॉट कॉम जब आप टाइप कर लोगे एक ऐसा होम पेज आपको दिखाई देगा फोन पे खोलोगे तो यहाँ थ्री डॉट दिखेंगे और लैपटॉप पर खोलोगे तो ऐसा ही दिखेगा तो यहाँ पे जाना है उस पर ऑल कोर्स दिखेगा ऑल कोर्स में आना है डिफेंस पे और डिफेंस पे सबसे पहले मैं आपको बैच दिखा देता हूं जो आपका आ रहा है एस का ये सहस्त्र सीमा बल यहां पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये देखेगा टारगेट एस हेड कांस्टेबल का रिवीजन बैच कंप्लीट आ रहा है आपका पंद्रह सितंबर से और इस बैच के अंदर आपको जो जो पढ़ाने वाले हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे इंग्लिश है हिंदी है जनरल नॉलेज है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है रीजनिंग है सारे सब्जेक्ट आएंगे लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगी कौन कौन पढ़ाएगा वो सारी डिटेल्स यहाँ पे मैंशन है प्राइज आपको दिख रहा है सात आपको व्यू ऑफर पे जाना है व्यू ऑफर पर क्लिक करोगे तो आपसे बोलेगा कि अपना ई मेल टाइप करो आप अपना ई मेल टाइप करोगे एंड ई मेल टाइप करने के बाद आपको बोलेगा कि यार यहाँ पे एंटर कूपन कोड और कूपन कोड में लगा देना जैसे मैं लगाता हूं वाई टू सेवन फोर जो मैंने आपको कूपन कोड बता रखा है वाई दो सात चार दो सौ चौहत्तर वाई टू हंड्रेड सेवनटी फोर जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे अप्लाई करते ही मात्र अठारह सो उनतालीस रुपए में आपको ये बैच मिल जाएगा अठारह में आप कंटिन्यू करके कंप्लीट बैच को परचेज कर सकते हो जो लोग चाहें वो लोग खरीद सकते हैं मात्र अट्ठारह सौ उनतालीस रुपये में बाकी अगर आप एफकेट की बुक के लिए जाना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं आप ऑल कोर्स में जाएंगे ऑल कोर्स में डिफेंस पे जाएंगे एंड डिफेंस पे जाने के बाद एफकेट पे जाएंगे एफकेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऐसा पेज दिखेगा उसके बाद आप बुक्स पे आएंगे और बुक्स पे आने के बाद आपको सबसे ऊपर ये कॉम्बो पैक जो ये बेस्ट है ये बेस्ट है इसमें प्रैक्टिस सेशन के पेपर भी हैं इसमें सब कुछ है और क्या क्या होगा उसका प्रिव्यू आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो पूरी इंडेक्स आपको शो हो जाएगी क्या क्या मिलने वाला है पूरी इंडेक्स शो हो जाएगी कि क्या क्या मिलने वाला है क्या क्या पढ़ाया जाएगा कितने पेपर होंगे हर एक चीज़ की पूरी डिटेल यहाँ पे मैंशन है ठीक है दोनों बुक्स का प्रीव्यू आप देख सकते हो पूरी डिटेल दे रखी है कि बुक में क्या क्या होगा कितने क्या पेपर हैं कौन कौन से टॉपिक हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और इस बुक को भी आप परचेस कर सकते हो ठीक है वन नाइन नाइन में आपको दिखा रही है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो आप बुक एट्टी लगा के इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो जैसे अगर आपना ई मेल आई टाइप करते हो तो एक मिनट मैं दिखाता हूँ जैसे आपने ई मेल टाइप किया देन ई मेल टाइप करने के बाद एंटर कूपन कोड में या तो आप यहां पर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इस कूपन कोड पर आपको वर्किंग में कितना मिल रहा है और इस पर अगर इसके थ्रू नहीं मिल रहा है आपको तो आप सिंपली क्या करोगे आप यहां पर जाओगे वाई टू सेवन फोर एस लगा देना वाई दो सौ चौहत्तर एस जैसे आप एस लगाओगे ना इसके कूपन कोड था उसी में एस जैसे लगा के आप अप्लाई करोगे तो मात्र आपको तेरह सौ निन्यानवे रुपए में दोनों चीजें मिल जाएंगी मतलब चौदह सौ रुपए में किताब भी मिल जाएगी चौदह सौ रुपए में पूरे प्रैक्टिस सेशन की भी एक बुक मिल जाएगी तो दोनों बुक आपको मिल जाएंगी मात्र और मात्र इतने रुपए में चौदह सौ रुपए में अब आपको अगर खाली बुक खरीदनी है तो आप सिंपल एक बुक भी ले सकते हो एफकेट की अगर आप चाहो कि मुझे तो सर सिर्फ सिंपल एक बुक लेनी है मुझे प्रैक्टिस पेपर नहीं लेने तो आप सिर्फ बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं आप ये बारह सौ उनसठ रुपए की जो बुक है आप इसको प्रेफर कर सकते हैं इसमें कंप्लीट बुक है आपकी एफकेट की सारे सब्जेक्ट हैं इसमें और पूरा जो इसमें कंटेंट है ना वो आपके एफकेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया गया तो आप इसको परचेस कर सकते हो यहाँ पे आप अपना ई मेल टाइप करोगे और यहाँ भी आपको जब भी बुक खरीदना है तो एस लगा सकते हो बस कूपन कोड में वाई टू सेवन फोर एस लगाओगे और अप्लाई करोगे तो आपको बुक मिल जाएगी आठ सौ इक्यासी रुपये की तो ये कंप्लीट बुक आठ सौ इक्यासी रुपये में मिल रही है बेस्ट बुक है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया एफ़केट एग्जाम के पर्पज़ से मेरे दोस्त बेस्ट बुक बेस्ट कंटेंट के साथ तो जो भी आपको बेहतर लगता है आपके लिए है आपके परिवार में किसी के लिए आप उनके लिए परचेज़ कर सकते हो ठीक है दोस्तों तो फिर मुलाकात करते हैं बाकी कल सुबह मैं फिर मिलूंगा आप सभी के साथ कल सुबह फिर जुड़ जाऊंगा मैं इसी समय पे तो कल सुबह जुड़ना मत भूलेगा जय हिंद बंदे मातरम कल सुबह मुलाकात करते हैं ग्यारह बजे रीजनिंग की बात साहिल सर के साथ डोन्ट फॉर गेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब सेवन चैनल ऑल्सो डाउनलोड ऐप